but they coming to the show. Pulling up, you know I'm swerving. Bad bitch pushing on curves. सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो डूड, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत ही लेट हो गया ईद विश करने में आपको, लेकिन खैर है, क्योंकि हमें शुरू से आदत है हर काम लेट करने की। हर चीज़ मेरी लेट आती है, जैसे कि बचपन से मेरी आदत थी कि मैं बैक बेंचर ही था तो स्कूल भी मैं हमेशा लेट पहुँचता था। मेरा काम जो कम्प्लीट होता था वो भी हमेशा लेट होता था, तो वो आदत अभी तक गई नहीं है, तो इसलिए मैं हर चीज़ में अभी तक लेट हो जाता हूँ। ठीक है जी, तो इसलिए मैं तुम लोगों को ईद विश भी बहुत लेट कर रहा हूँ, लेकिन चलो खैर है। लेकिन मैं सोचता हूँ यार कि खैर नहीं है, क्योंकि इस आदत की वजह से मेरी हमेशा वीडियोस लेट आती है, जो कि मैं हर बार तुमसे वादा करके जाता हूँ कि मैं हर वीक डालूँगा, लेकिन फिर भी लेट हो जाता है, क्योंकि वो यही आदत है जो मुझे तंग करती है। तो इसे आदत को ख़त्म करना होगा, लेकिन उसको करेंगे बाद में ख़त्म, अभी हम बैठ के बात करते हैं यार वहाँ पर। चलो, हाँ तो भाई कैसी गुजर रही है तुम लोगों की ज़िंदगी? यहाँ तो अल्लाह की कसम इन वापडा वालों ने तो नाक में दम करके रखा हुआ, पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी इन वापडा वालों ने। इनको मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, लेकिन इन्होंने शायद वीडियो नहीं देखी, तो मैं इनको अभी फिर कहता हूँ कि खुदा का वादा है साड़ी जान छाड़ दो, कुछ जी चार दिन जिंदगी बची है ना, असि थानू बेड़ा थोड़ा बदवा दे के थोड़ी जान कट छड़ी है। नहीं करो भैन पेश, करो 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 भैन पेश। यार हद हो गई है, बंदा दो घंटे लाइट आ रही है, उसके बाद दो घंटे फिर जा रही है। यहाँ पे UPS चार्ज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे पंखे बंद हो जाते हैं, यहाँ गर्मी में मर रहे होते हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं है इनको। चलो उनको तो साइड करो। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई यहाँ कि भाई तुम्हारी ईद कैसी गुजरी? मेरी तो ईद सोने में गुजर गई है, यकीन करो। कहीं पर भी नहीं गया, कुछ भी नहीं किया, बस सोने में गुजार दी। सिर्फ पहले दिन गया था रिश्तेदारों के, उसके बाद तो दोनों दिन सोता ही रहा। तो तुम लोग बताओ तुम्हारी ईद कैसी गुजरी, मुझे कमेंट करो। क्योंकि ऐसा होता है ना हमेशा कि मतलब आपसे कोई पूछता है कि भाई ईद कैसी गुजरी, तो आप उसको बता ही रहे होते, इतने में वो अपना वो शुरू कर देता है, क्या कहते हैं, अपना गम बताना शुरू कर देता है, या अपनी बतानी शुरू कर देता है कि यार मेरी तो ऐसी गुजरी ईद, और आप बता ही नहीं पाते क्योंकि वो अपनी शुरू कर देता है, फिर आप उसके बाद बताते नहीं हो। मेरे साथ तो बहुत हो, अभी दो दिन पहले मुझसे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि भाई ईद कैसी गुजरी तुम्हारी। मैंने सिर्फ उसको इतना ही बोला कि भाई क्या कहते हैं, पहले दिन ही मैं गया रिश्तेदारों के, उतने में वो अपने किस्से सुनाना शुरू कर दे कि हाँ यार मेरी तो अच्छी गुजरी, मैं गांव में था, मैं यूँ हुआ यूँ हुआ। अबे भाई हमारी तो सुन ले पहले, सुन ही नहीं रहा है वो, फिर मेरा भी बताने का दिल नहीं कर रहा। मैंने चल भाई तू ही बता दे अपनी, उसकी सुनते रहे हम ईद, भाई बहुत अच्छी ईद गुजरी उसकी, लेकिन हमारी नहीं सुनी किसी ने भी। ये दुख का खत्म होता है, और मुझे पता है कि तुम लोगों की भी किसी ने भी नहीं सुनी होगी, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा है और यहाँ बैठा हुआ है। तो तुम लोग जैसी भी तुम्हारी ईद गुजरी है तो मुझे कमेंट करो, मैं तुम्हारी पूरी तफसील से पढ़ूंगा, अगर जो भी कमेंट होगा उसको आराम आराम से पढ़ूंगा, बल्कि इमेजिन करते हुए पढ़ूंगा, और फिर उसका जवाब भी दूंगा सबको। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। सो भाई अब बात करते हैं आज के दिन के ऊपर कि आज हमें करना क्या है। अभी तक तो कोई ख़ास प्लान नहीं है कि ये करना है, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ करूँगा। तो मेरे एकदम जहन में आया कि यार व्लॉग तो बनाए, तो फिर मैंने ऐसे ही उठाया मोबाइल और बैठ गया। ये बातें भी मैं सोच के नहीं आया हूँ, बस बैठे हुए दिमाग में आ रही और मैं तुमसे करे जा रहा हूँ। दिमाग में आ रही और बस मैं तुमसे करे जा रहा हूँ ये बातें। तो अभी तक तो कोई ख़ास प्लान नहीं है कि हम क्या करेंगे। अभी टाइम 5:30 हो रहे हैं, तो देखते हैं अभी जो होता है फिर वो तुम लोगों को दिखाएंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल लेटने जा रहा हूँ वापसी, क्योंकि सुस्ती हो रही है।
रमजान वाली रूटीन अभी तक खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल सुस्त हुए हैं, जिम भी नहीं जा रहे हैं, महीना हो गया है। आज जाएंगे, लेकिन आज जाएंगे तो आज हम जिम तो चलो तुम्हें हर वीडियो में दिखाना होता है मुझे, तो वो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी सोच रहा हूँ कि कुछ हो, अगर होता है तो वो दिखाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर जो हमारा वीडियो चलती रहेगी तो वो करेंगे। तो अभी मैं तुमसे फिर आराम करने के बाद मिलता हूँ। सो भाई, अब मैं जिम के लिए रेडी हो चुका हूँ, बैग वैग मैंने पहन लिया है, बस मुझे नीचे जाके दोस्त को बुलाना है, क्योंकि उसका भी मुझे अभी अभी न्यू एडमिशन कराना है जिम के अंदर, तो उसको मैंने 8 बजे का टाइम दिया था, तो 8 बज गए, तो अब हम चलते हैं सीधा जिम, तो लेट्स गो। तो बुलाया अब्बा जैन, और मैं 1 महीने क्या गायब रहा यहाँ पे, तो बोर्ड वोर्ड सब चेंज हो गया जिम का, तो देखते हैं क्या पता अंदर से भी कुछ चेंज हुआ हो। सो भाई, जिम के अंदर बैठा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या वर्कआउट लगाऊँ। अब मैं सोच रहा हूँ यार, मैं प्रॉपर वर्कआउट स्टार्ट करूँ या फिर आज वार्म अप लगाऊँ और फुल बॉडी वर्कआउट करूँ, तो फैसला कर नहीं पा रहा हूँ मैं। चलो देखते हैं क्या करते हैं, बाकी एंड में बताऊंगा कि मैंने क्या लगाया। चलो अब तुम वर्कआउट वीडियो देखना। भाई जिम तो फारिग हो गए, लेकिन अब घर के काम आ गए, अब मुझे लेना है प्लग। ये
कौन से चैनल पर करो? इसका चैनल सब्सक्राइब करो, इस नाम से। सो भाई आज तो मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुका हूँ, क्योंकि एक तो इतने दिनों बाद जिम गया, और जिम गया तो मुझसे तो एक्सरसाइज में मेरे हाथ ही इतने कप कप आ रहे थे, जैसे मैंने भी नया नया एडमिशन लिया हो, जैसे मेरा भी आज पहला दिन हो। वैसे तो पहला दिन था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मतलब कभी जिम किया ही नहीं है, इतने हाथ कप कप आ रहे हैं ये। और अब तो हालत ऐसी हो रही है कि बस आँखें बंद हो रही हैं कि बस सो जाऊँ। तो भाई चलो, मैं तो अभी सो रहा हूँ, तो सो के उठ के देखते हैं, या फिर हो सकता है कि यहीं पे वीडियो एंड हो जाए, तो चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं उठ के ही एंड करूँगा सुबह, एक दो घंटे के लिए मैं नहीं गया। ओके ऑलराइट। तो यार कुछ ज़्यादा ही लंबा सो गया मैं तो यार, मतलब पूरी रात सो गया, अभी फजर की नमाज़ पढ़ के बैठा हूँ। सो इस वजह से गया यार, क्योंकि बहुत थक गया था, क्योंकि एक मंथ बाद जिम गया, और जिम गया तो समझ लो ऐसी हालत हो रही थी जैसे पहले पहले दिन होती है। समझ लो मैं फिर से स्टार्टिंग पे पहुंच चुका हूँ, फिर शुरू से मुझे अपनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, सब कुछ समझ लो स्टार्ट से ही करना पड़ेगा। फिर वहाँ से आया तो इतना थक गया था, अब तुम्हारे सामने हूँ, तो चलो वीडियो ऐसे मुझे उस वक्त ही एंड करना है, लेकिन उस वक्त सिर्फ इतनी थकान हो गई थी कि सिर्फ नींद ही आ रही थी। तो चलो वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।